हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्टी किचन सेंटर। फ्रेंड्स, आपने मैंगो मिल्क शेक या मैंगो लस्सी तो पी ही होगी, लेकिन आज मैं कुछ नया लेके आई हूँ। जैसे कि डालगोना ट्रेंडिंग है, तो हम इसका वेरिएशन मैंगो डालगोना बनाएंगे। इसे बनाना भी इजी है और बनेगा भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से। तो आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स और उनके मेजरमेंट्स। 250 ml दूध, 2 नंग आम, 200 ml व्हिपिंग क्रीम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आम के छिलके निकाल लेंगे। पहले हम ऊपर की ये डंडी हटा लेंगे। इसके बाद हम नाइफ की मदद से इसकी छिलके निकाल लेंगे। यहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से पका हुआ केसर आम लिया है। आप चाहो तो कोई भी आम यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास आम रस अवेलेबल है, तो आप ये स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं। और हमारे दोनों आम छिलके रेडी हो गए हैं। अब हम आम के छोटे पीसेस कर लेंगे। सबसे पहले हम ऐसे वर्टिकल लाइंस बना लेंगे। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लेंगे। अब इसे अच्छे से कट कर लेंगे। ऐसे करने से बहुत ही अच्छे स्मॉल पीसेस बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। ये हमारा एक आम कट के रेडी है। अब हम दूसरा भी कट कर लेंगे। हमारे दोनों आम के पीसेस बन के रेडी है। अब हम आम के पीसेस को मिक्सर के जार में डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं, अगर इसमें चीनी की जरूरत हुई तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और हमारी प्यूरी बन के रेडी है। हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। अब हम क्रीम को व्हिप कर लेंगे। इसके लिए हम एक मिक्सिंग बाउल में क्रीम को निकाल लेंगे। अब हम इसे विस्क की मदद से व्हिप कर लेंगे। अगर आपके पास विस्क ना हो, तो आप फॉक, चमची या फिर इलेक्ट्रॉनिक बीटर भी यूज कर सकते हैं। हमें क्रीम को तब तक व्हिप करना है जब तक हमें अच्छे से इसका सॉफ्ट पिक ना मिल जाए। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमें सॉफ्ट पिक ऐसे मिल चुका है। अब हम इसमें मैंगो की प्यूरी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। अगर आप इसमें कलर और टेस्ट दोनों को एनहांस करना चाहो, तो अपने हिसाब से ज्यादा मैंगो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने व्हिपिंग क्रीम यूज की है। अगर आपके पास नहीं है, तो आप मार्केट में नॉमिनल रेट में अवेलेबल व्हिपिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी पिक अच्छी नहीं बनती है, तो आप इसमें आइसिंग शुगर या पीसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और अगर बहुत ही हार्ड पिक बनता है, तो आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। आइए अब हम ग्लास डेकोरेट कर लेंगे। सबसे पहले हम ग्लास में मैंगो की प्यूरी डालेंगे। अब इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम ग्लास में दूध डालेंगे। यहाँ मैंने पहले से ही दूध को गर्म करके उसमें चीनी डाल के इसे चिल्ड कर लिया है। अब हम ग्लास में मैंगो व्हिप क्रीम ऐड करेंगे। हमें ग्लास में इतनी क्रीम डालनी है, जिससे कि हम एक अच्छे से पिक बना सके। फिर हम इसे सॉफ्टी का शेप दे देंगे। बहुत ही अच्छे लेयर्स लग रहे हैं ना फ्रेंड्स। बस इसी तरह हमें इसे सॉफ्टी का शेप देते जाना है।
तब हम मैंगो पीसेस से इसे गार्निश कर लेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से भी कर सकते हैं। और हमारी बहुत ही माउथ वाटरिंग क्रीमी मैंगो डालगोना मिल्कशेक बनके रेडी है। तो इन मैंगो के सीजन में ट्रेडिशनल ड्रिंक से ऊपर हटके आप बना सकते हो मैंगो डालगोना। खुद भी खाइए, सबको खिलाइए, सबको पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।